नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में खाद को लेकर फसाद जारी है। अब तक कांग्रेस खाद को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर थी, लेकिन इस बार खुद गुना से बीजेपी के सांसद केपी यादव ने लोकसभा में खाद की किल्लत का मुद्दा उठा दिया, जबकि इसी इलाके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में खाद की तमाम किल्लतों को दूर करने का दावा किया था। अब कांग्रेस चुटकी ले रही कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। कुल मिलाकर खाद पर घमासान थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा। तो घमासान खाद को लेकर मचा हुआ है। अब केपी यादव, जो कि बीजेपी के ही सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? और कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था खाद की किल्लत को लेकर? सुनवाते हैं आपको दोनों ही बयान। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं आपका ध्यान अन्नदाता किसानों की उर्वरक की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जबकि भारत सरकार के पास उर्वरक की कोई कमी नहीं है। चूंकि इस वर्ष समय पर पर्याप्त वर्षा होने के कारण और रबी फसल की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिलों में एक ही समय में खाद की अधिक मांग से कृषकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण की समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है और गेहूं की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। डीएपी खाद की फसल बुआई के समय कमी हुई थी, जबकि बुआई के बाद वर्तमान में यूरिया की आवश्यकता अधिक है। अतः आपके माध्यम से मैं उर्वरक मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा समय अनुसार उपलब्ध कराने की कृपा। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गुहार मुझे दिल्ली तक पहुंची थी, जब डीएपी की कमी थी, फौरन मैंने हमारे खाद मंत्री मनसुख मंडाविया जी को फोन करके दूरभाष पर हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुना में कमी नहीं होनी चाहिए डीपीजेपी की, अशोकनगर में नहीं, शिवपुरी में नहीं, मुरैना, भिंड, हमारे ग्वालियर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। और आपके मंच से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुरंत रेक पर रेक भर के हमारे सभी जिलों में, तो रेक पर रेक भर के यहां पर पूरे गुना में खाद भिजवा दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दावा कर रहे थे। और केपी यादव ने क्या कहा संसद में, संसद के पटल पर, यह भी आपने सुना। लेकिन भूपेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, क्या आपस में इन दोनों कुछ विवाद है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत यहां पर यह बयान जा रहा है। तो भूपेंद्र सिंह क्या कहते हैं, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। माननीय सिंधिया जी के ध्यान में जब वो गए होंगे तो ऐसा कोई विषय उनके ध्यान में नहीं आया होगा, या लोगों ने कहा होगा कि हमें पर्याप्त मिल रहा है। और चूंकि वो भारत सरकार में मंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भारत सरकार में बात करके, राज्य सरकार में बात करके कोशिश ये की होगी कि यहाँ पर खाद की कमी ना हो, तो उस आधार पर उन्होंने कहा। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ अहम सवाल हैं। ये सवाल टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि खाद पर वादा भरपूर, फिर भी किसानों से खाद क्यों है दूर? मंत्रियों ने दावों से भर दी झोली, केपी ने संसद में पूरी पोल खोली, कैसे? शहर शहर खाद पर हाहाकार, क्या कर रही है सरकार? सबसे बड़ा सवाल हमारा, सबसे अहम सवाल, एमपी में किसान परेशान, तो खाद पर हर तरफ घमासान, और इससे सरकार कैसे इनकार कर पा रही है? यह सिर्फ केपी यादव या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मसला नहीं है, यह मसला है किसानों की जरूरत से जुड़ा हुआ, खाद की किल्लत, खाद की कमी से जुड़ा हुआ। तो हमारे ज्वलंत सवाल ये टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो हमारे साथ दो मेहमान इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, इसी डिबेट पर जुड़ रहे हैं, इसी चर्चा पर जुड़ रहे हैं। दिनेश गुर्जर, अध्यक्ष किसान कांग्रेस के, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है दिनेश जी। और दर्शन सिंह चौहान, बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश गुर्जर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत से थोड़ा सा रूबरू करवाइए यहां पर दर्शकों को भी, कि असल में खाद की किल्लत कहां कहां है और किस तरीके से और कितनी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत है, किसान भूखा प्यासा दो दो दिन रात रात भर जगा हुआ है, लाइनों में लगा है। और जो एक व्यवस्था जो खाद की पूरे मध्य प्रदेश में मनाई है, और खासतौर से चंबल संभाग मुरैना मनाई है,
किसान को पहले टोकन के नाम पे एक दो दिन खड़े होना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ती है, दूसरे दिन फिर उसको पर्ची लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तीसरे दिन फिर वो टोकन दे के ऊपर पर्ची लेता है। ये तीन तीन दिन जो व्यवस्था की है ये सिर्फ लूटने ठगने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि मेरा ये दावा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में बीज खाद की कीटनाशक की दवाइयों की दुकानें तुलाई केंद्र सारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के या उनके कार्यकर्ताओं के हैं। जिला प्रशासन मूक दर्शक होता है, किसान अगर अपनी मांग को लेकर खाद मांगने जाता है तो उसको डंडे मारे जाते हैं, उनका प्यासा किसान पड़ा है, महिलाएं अब लाइनों में लगी हुई मुरैना के अंदर। कई बार हम लोगों ने किसान कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे मध्य प्रदेश के कई जिलों में हमने धरने प्रदर्शन किए, मुरैना में हमने जाके खाद वितरण केंद्रों पे हमने धरना प्रदर्शन किया, और जो हालात बने हुए हैं कि एक किसान एक किताब पे मात्र दो बोरी खाद की दी जा रही है और जो पर्याप्त नहीं है, एक किसान आधा एकड़ का अगर उसकी किताब है तो आधा एकड़ को उसको दो बोरी दी जा रही है, अगर 20 एकड़ है अगर किसान पे तो भी उसको दो बोरी दी जा रही है, तो दो बोरी में कैसे वो अपना खेती में खाद डालेगा। ये जो पूरा एक पूरा इसलिए कि कालाबाजारी कैसे बढ़े, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों की दुकान है उनसे कैसे डीएपी मिले, उनको यूरिया मिले, ये पूरा एक हर साल का एक बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार 16 सालों से मध्य प्रदेश में है, इनको हर साल का पता है कि किसानों को खाद कब चाहिए कितना चाहिए, उसके बावजूद भी हर साल प्रतिवर्ष किसानों को इसी तरह से खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, कालाबाजारी में खाद खरीदना पड़ता है, खाद के अभाव में किसान अपनी फसल में खाद नहीं डाल पाता है, और जो लूटने ठगने का काम निरंतर 16 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्नदाता को जो परेशान कर रहे हैं भगवान माफ नहीं करेगा। ठीक है, दर्शन सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दर्शन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस चर्चा में, और सबसे पहला और अहम सवाल यही रहेगा कि बयानों में अंतर यहां पर दिख गया, खाद की कमी है यह हकीकत है और इस हकीकत को आप नकार भी नहीं सकते, तस्वीरें भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें आ भी रही। केपी यादव बोलते हैं संसद में कि यहां पर कमी है, और ज्योतिराज सिंधिया कहते हैं कि भरपूर तरीके से हमने खाद यहां पर मुहैया करवा दी है, डीपी यहां पर मुहैया करवा दिया, लेकिन अभी भी हकीकत जो है वो किसी से छिपी नहीं। दिनेश गुर्जर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी देखिए, यहां पर बीजेपी के सांसद हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, किल्लत हम होने नहीं देंगे, लेकिन तस्वीरें इस तरीके सामने आ जाती हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि विपक्ष क्या अपनी भूमिका ठीक ढंग से यहां पर निभा नहीं पा रहा, या विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद उस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए, ताकि सरकार के खानों तक आवाज पहुंचे और इस दिशा में वो कुछ कदम उठाए। देखिए, जब पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों किसान दिल्ली में बैठे रहे भूखे प्यासे, एक साल आंदोलन किया काला कानून को लेकर, तब हिंदुस्तान की सरकारों ने कुछ निर्णय नहीं किए, किसानों को कुचलने का काम किया, गोलियों डंडों से मारने का काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में माननीय कमलनाथ जी के निर्देश थे कि किसानों के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो, लड़ाई लड़े, उनको बीज खाद दिलवाए, और इस लड़ाई को निरंतर हम लोग जारी रखे हुए हैं। हर जिले में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सेंटरों पर जाकर बात कर रहे हैं, पर जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक विधायक आकर ये नहीं कहता किसानों के बीच में जाके कि हम खाद दिलाएंगे। किसान भूखा प्यासा पड़ा हुआ, हम लोग खुद कृषि उपज मंडी में धरने बैठे थे, वहां एडीएम को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, हमने किसानों के बीच में बात रखी, दो दिन बाद का आश्वासन जिला प्रशासन ने दिया, और उसके बाद भी आज भी हालात ये है कि मुरैना जिले के अंदर खाद की तराई तराई मची हुई है, दर दर की ठोकरें हमारा किसान भाई खा रहा है, तीन तीन दिन तो उसको पर्ची टोकन लेने के नाम पे लाइनों में लगाया जा रहा है। जो हालात बने, बाजरा की खरीदी नहीं हो रही है, मापदंड जो बाजरा की खरीदी के बनाए गए हैं, जब पता है आपको कि ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र रहा है, उसके बाद मैं आता हूं दिनेश गुर्जर आपके पास। हमारे साथ दर्शन सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दर्शन जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपसे समझना चाहूंगा कि केपी यादव संसद में बयान देते हैं कि गुना में अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां की दिक्कतों को दूर किया जाए, और 4 तारीख को ज्योतिराज सिंधिया वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि रैक पर रैक यहां पर भिजवा दी गई खाद की कोई किल्लत नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। सर, किसके बयान को यहां पर सही माना जाए, हकीकत क्या है? आभार तो आपका, बुलाने
चैनल में बुलाने के लिए, दूसरा पूरे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हमेशा सजग रही है और जहां तक खाद की और जो किल्लत वाली बात आ रही है उस खाद की किल्लत को पूरी मध्य प्रदेश में एक एक जगह पर मॉनिटरिंग बनाई जा रही है, मॉनिटरिंग टीम बन चुकी है। हमारी हमारे कृषि मंत्री जी बहुत सजग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं और न केवल मॉनिटरिंग टीम बल्कि जहां जहां भी मैं भी खुद लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर अभी भी मैं दौरे से आ रहा हूं और ये बीच में बैठ के अपना कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूं, जहां जहां भी थोड़ी भी दिक्कत यदि समझ में आती है तो हम वहां के प्रशासन से चर्चा करके और उस समस्या को यथाशीघ्र और जो जो किसानों की डिमांड रहती है उसको भरपूर मात्रा में, चूंकि इस बार इंद्र देवता की कृपा जल्दी हो गई थी, बीच में हो गई थी कुछ क्षेत्रों में एकदम से बारिश होने के बाद, जो पिछले बार जो जितनी मात्रा में खाद खरीदा गया था उतनी मात्रा में तो पहली बार में खरीद के और उसको पर्याप्त, चूंकि इस बार मौसम अनुकूल भी रहा, बोनी का मात्रा भी पर्याप्त है और किसानों को चूंकि अभी मैक्सिमम क्षेत्रों में बोनी हो चुकी है और जहां जहां यूरिया की भी जरूरत पड़ रही है वहां भी सरकार पूरी शिद्दत के साथ उसको पहुंचाने का काम कर रही है। जिन क्षेत्रों में दिक्कत है वहां पर बराबर मॉनिटरिंग करते हुए हमारे प्रशासन, लेकिन आप ही के सांसद बीजेपी के सांसद संसद में कह देते हैं कि कमी है, दिक्कत है, तो ये आपसी मतभेद की वजह से कि ज्योतिराज सिंधिया से उनका मतभेद है इस वजह से कह दे रहे हैं या वाकई किल्लत है, क्योंकि आप ही की बातों को नकार दे रहे हैं बीजेपी सांसद, इस पर लेकर कांग्रेस चुटकी भी ले रही है। नहीं, हमारे ना तो मतभेद है जी। और माननीय सांसद जी ने देश के मंदिर में इस प्रकार का जो विषय रखा है तो निश्चित ही संसद का अपनी एक मर्यादा रहती है उसमें वो होगा, लेकिन जहां तक फील्ड की बात है पूरी मॉनिटरिंग करते हुए हमारे सहयोगी मित्र जो बता रहे हैं हम भी लगातार क्षेत्रों में और आपके माध्यम से पता भी चलता है, हम पूरे लगातार निश्चित दौरे पर हैं। मैं आज जहां बैठा हूं ये इटारसी केंद्र है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश का पंजाब कहलाता है और पूरे जिले में चाहे वो हरदा हो चाहे नरसिंहपुर हो चाहे ग्वालियर चंबल में भी जहां जहां आ रही है, मैं अभी कुछ दिन पहले भी दौरे था, कल के बाद मैं फिर उसी संभाग में जाने वाला हूँ, तो निश्चित है कि जहां जहां भी दिक्कत समझ में आ रही है मेरे सहयोगी मित्रों से भी मैं ये कहना चाहता हूं आप सीधी करें वहां के प्रशासन से चर्चा करके और समस्या को निदान करा इस प्रकार से, क्योंकि समस्या निदान करने में ही किसान का भला है और समस्या निदान हो भी रही है, लेकिन उसको बिना मतलब का मुद्दा बनाकर और केवल ठीक है मैं ये चीज समझ रहा हूं राजनीति करना बंद करें। चौहान साहब ऐसा है, आप किस किस जिले में गए और आपने कितने किसानों को खाद खड़े होकर दिलवाए ये बताइए। आप दौरे कर रहे हैं माला पहनने के लिए, ना कि किसानों बीच में नहीं गए आप, तुलाई केंद्रों अब ये खाद केंद्रों पे जाइए, लाइन लगी हुई है तीन तीन दिन, बेचारा भूखा प्यासा किसान बैठा है। आप कब आ रहे हैं मुरैना? आवाज हम स्वागत करते हैं आपका, जहां बात कर रहे हैं मैं स्वागत करते हैं। तीन दिन पहले मैं आपके संभाग में भी पहुंचा था, मैं जहां जहां भी जा रहा हूं आप तो मेरे कार्य में है, अभी भी मैं बैतूल से आ रहा हूं, उसके बीच में मैं रुका और किसानों से पर्याप्त मेरी चर्चा लगातार भी हो रही है और मैं सीधा किसानों के बीच में जा रहा हूं और जहां तक माला की बात है ये कार्यकर्ता का भाव रहता है, कार्यकर्ता के भाव को नकार नहीं सकते। ये मान लें कि आपका कोई प्रभाव नहीं है प्रशासन पे, आपका सरकार पे कोई दबाव नहीं है, मान लें अगर आप आए थे उसके बाद अगर सरकार का प्रभाव प्रशासन पे था है और सरकार हमारी है, हमारा किसान संतुष्ट है, इसके परिणाम आप देख तो रहे हैं, अभी अभी आप उपचुनाव से आ रहे हैं, क्या हालत आपकी हुई है, कैसे नहीं आप केवल बरगलाने का काम, आप केवल टीवी पर कांग्रेस का आज के काम का हमेशा टीवी पर चलने वाले, आप केवल चित्र बनाने वाले लोग हैं, जमीन पर हम थे, जमीन पर है और जमीन पर हम रहेंगे, तो नहीं हुआ। किसान समाज पूरा हम पर भरोसा करेगा, इसके परिणाम ठीक है। दर्शन सिंह जी, आपने कहा किसान आप पर भरोसा करेगा, अच्छा मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, केपी यादव फिर बयान के क्या आप मतलब निकाले, आपने कहा कि एक संसद की गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, लेकिन एक पार्टी की भी गरिमा और मर्यादा होती है, बीजेपी के ही सांसद हैं, अपने ही मंत्री के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं ये बात है, और पार्टी की मर्यादा के हिसाब से हमारा संगठन बढ़ रहा और चल रहा है
सांगठनिक दृष्टि से जो जो जिम्मेदारी जिसको दी जा रही है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम जहां अब आप देखेंगे, क्योंकि ये लगभग दिसंबर का माह है और बौनी जिन जिन क्षेत्रों में अलग अलग दबाव रहता है, मैक्सिमम क्षेत्रों में बौनी हो भी चुकी है और अभी हम माने तो 60% 70% से ऊपर इस प्रकार की बौनी हो गई है। और इस प्रकार से अब जो दबाव था वो दबाव भी घट गया है और निश्चित ही किसान को रियायत दी गई है और किसान को जितनी सहूलियत भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कांग्रेस को तो बात करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस को मौका तो आप ही के सांसद ने दे दिया ना, कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका में वहां पर है और मौका भी बीजेपी ने दे दिया। बीजेपी के सांसद ने संसद में जब खड़े होकर मांग की कि खाद की कमी है और खाद की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार उनका साथ दे, तो मौका तो फिर बीजेपी ने ही दिया, इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं सर? हमारे सांसद महोदय ने संसद में मंदिर में ये विषय रखा है, संसद में रखा है, हाँ। निश्चित ही और वो संसद के निर्णय, संसद की कार्रवाई अपने अनुसार होती है। इन सांगठनिक जो जिम्मेदारी हम सबको दी जा रही है पूरी मुस्तैदी के साथ उसको निभा रहे, हमारा प्रशासन भी मुस्तैद है। आप जहां भी माननीय दिनेश जी जहां भी गए हो, आखिर प्रशासन ने चर्चा करी, समस्या का निदान तो हुआ, तो विषय यही है कि जहां जहां ठीक है। दिनेश गुर्जर से समझ लेता हूं मैं। दिनेश गुर्जर जी, आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं और जिस क्षेत्र से आप आते हैं, वहां पर क्या किसानों की समस्याओं को प्रशासन सुन रहा है, सुध ले रहा है? देखिए, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग खाद वितरण प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, तुलाई केंद्रों सारे बीजेपी के लोग हैं, प्रशासन मूक दर्शक है, कठपुतली बन के काम कर रहा है। अगर हम प्रशासन से बोलते हैं खाद नहीं साहब है, खाद हम व्यवस्था कर रहे हैं, अगर व्यवस्था हो रही है तो लंबी लंबी लाइनें किसानों की रात के 2-2 बजे से क्यों लग रही है? ऐसा किसान ने कौन सा सजा दी है? और अगर ये ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को साक्षी मान के बोले और आप इनको भेजें। आप परसों आए अध्यक्ष जी, आप बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हम स्वागत करते हैं आपका, आप आइए। मुरैना में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, आप खाद दिलवाइए। बाजरे की तुलाई नहीं हो रही, आप बाजरे की तुलाई कराइए, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। पर सिर्फ कोरी कोरी टेलीविजन पर बैठ के बात कर लेना, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। अगर आपके सांसद महोदय, क्योंकि जनता ने चुना है, जनता ने जब उनको बोला होगा सांसद महोदय को, जब उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, सिंधिया जी को क्योंकि नए रह गए हैं तो उनको अभी चापलूसी करना है, बड़े बड़े नेताओं में ये देना है कि हम आपके हुक्म के गुलाम हैं, और इसलिए सिंधिया जी अपने अंक बढ़ाने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, इसका जवाब सिंधिया जी को आगे आने वाले समय मिलेगा। दर्शन सिंह जी, वाकई ये हकीकत है क्या? देखिए, मौका यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी ने दिया, उन्हीं के सांसद ने, आप ही के सांसद ने दिया, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। और मतभेद की स्थिति से आप इनकार कर रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि केपी यादव का यहाँ पर सपोर्ट कांग्रेस कर रही है उनके बयान का। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरे नंबर का प्रदेश है, यहाँ की अलग अलग स्थितियां हैं। मैं जिस क्षेत्र में आज उपस्थित हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ किसानों के बीच से, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में खेती के मामले में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर भी इस प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। और जहां तक देखने को माननीय दिनेश जी ने कहा है, मैं यथाशीघ्र, आप बोल रहे हैं उसी दिन मैं वहां आके और वहां की समस्याओं को भी और किसानों के साथ हम थे हैं और रहेंगे, और किसानों से किसी भी प्रकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी पर मध्य प्रदेश को किसानों को पूरा भरोसा है, देश की सरकार भी इस कोरोना काल के बाद भी और पूरी विपरीत परिस्थिति में किसान के साथ खड़ी रही थी और किसान को भी हम पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर उनका भरोसा हमको जब चुनावी क्षेत्र में जाते हैं तो दिखाई देता है। तो केवल बरगलाने की बात नहीं, और किसानों के नाम की राजनीति बंद करे कांग्रेस, अब तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि राजनीति के बहुत मुद्दे हैं और हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से चूंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खेती केवल दहलाने के लिए नहीं, खेती विश्व के भरण पोषण की बात है, इसलिए उसमें इस प्रकार की राजनीतिक विषय नहीं होकर और सहयोगात्मक विषय रहने चाहिए। किसान देश की रीढ़ है, उसके साथ हम सबको मिलकर काम करना। दिनेश गुर्जर जी, सबको साथ में मिलकर काम करना है, सबको साथ में मिलकर काम करना है।
मैं निवेदन कर रहा हूं चौहान जी, आपका स्वागत है, आप 10 तारीख को मुरैना पधारें और आपको हम ले चलेंगे सारे जितने भी केंद्र हैं खाद जहां वितरण हो रहा है, आप आइए, जिससे जो बेचारा किसान तीन तीन दिन भूखा प्यासा यहां पड़ा हुआ रात रात भर लाइनों में लगा है, उसको न्याय दिलाइए। अगर आप ऐसे तेजी हैं तो हम आनेंगे, वास्तव में आप किसान के बेटे हैं, वास्तव में आप किसान को मजबूत करना चाहते हैं, आप आइए परसों मुरैना, हम आपके साथ चलेंगे और यहाँ चल के किसानों को न्याय दिलाएंगे, तो मानेंगे कि वास्तव में आप जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, अन्यथा ये पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। बिल्कुल देखिए, भगवान के साक्षी मानकर, किसान भी हमारे भगवान का रूप है, उसको साक्षी मानकर हम काम करते हैं, लेकिन भगवान तो बेचारे परेशानी में इस वक्त चल रहे हैं, आप देखिए ना, बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत सी जगहों की ऐसी तस्वीरें किल्लत की तस्वीर आ रही है, और केपी यादव का बयान इन तस्वीरों की तस्दीक कर रहा है संसद के भीतर। कोई भी तकलीफ आएगी तो दर्द हमको होता है निश्चित तौर पर, हम पूरी ताकत के साथ किसान के साथ हैं और रहेंगे। सर अभी भी किसान परेशानी से जूझ ही रहे हैं, किसानों की परेशानियां भी खत्म नहीं हुई। मुरैना कब आ रहे हैं आप? मुरैना यथाशीघ्र मैं अभी 10 दिन चलेगा, यथाशीघ्र मैं 3-4 दिन के अंदर फिर से उस संभाग के दौरे से, अभी मेरे 3 दिन के कार्यक्रम से हैं, उसके तुरंत बाद मैं मुरैना आऊंगा। अभी आप कहाँ हैं अभी? और आके मैं पहला फोन आपको लगाऊंगा, चिंता मत करना, और आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, हम सब मिलकर करेंगे। पहला फोन आपको लगाऊंगा, आप चिंता मत करना, और मैं आके, क्योंकि हम तो देखो किसानों के साथ थे हैं, और हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, दर्शन जी, दर्शन जी कहने से काम नहीं चलेगा सर, आपको इसलिए ये करके दिखाना पड़ेगा, अगर आप किसानों के साथ है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जमीनी हकीकत दूसरी है, जमीनी हकीकत कुछ और चीजें बयां कर रही है। मंत्रीगण हमारे साथ, खाद वाले हो चाहे कृषि वाले हो चाहे मुख्यमंत्री हो, एक एक पूरी ताकत के साथ लगे हैं, और केवल टीवी पे बैठकर समस्याएं दूर करने में समस्या। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना कि मैदान में, मैं तो लगातार मैदान में चल रहा हूँ। कौन से जिले में आप? मैं इटारसी में, इटारसी होशंगाबाद जिले में, बैतूल से। ये चूंकि बीच में मेरे भोपाल पहुंचना थी, लेकिन भाई साहब का फोन था, इसलिए मैं बीच में बैठ गया हूँ, वहीं से बैठ कर ये बैठक अटेंड कर रहे हैं। अभी आप इटारसी के किसानों से नहीं मिले ना? अरे इटारसी किसान 10-15 मिनट पहले का देख लेना, केसला, आप इटारसी छोड़ दो, इटारसी में नहीं, केसला में मैं किसानों के साथ अभी बैठा था, और किसानों की पानी बिजली हमारे यहाँ, अरे भैया सुन तो लो, आप केसला में है क्या अभी? केसला है क्या? केसला से आगे इटारसी ऑन द वे हूँ मैं, ऑन द वे मैं भोपाल आ रहा हूँ। अभी इटारसी में किसान भेज देता हूँ आपके पास, और वो बता देंगे आपको, आप उनके साथ अभी चले जाइएगा। आपके किसान भी जब उनको समझ में जाती है तो चर्चा हमसे ही करते हैं, आप इस बात की चिंता रहे, सरकार है, आप सरकार है, चर्चा फिर किससे होगी? पदाधिकारियों को भी खाद भी हम दिलाते हैं, उनके सरकार है आप, तो चर्चा फिर किससे होगी? यहाँ पर विपक्ष के पास तो तब वो जा रहे हैं जब मुश्किलें हैं यहाँ पर उनके सामने, किसानों के सामने। और सबसे स्पष्ट बात यह है कि हकीकत में किसान बहुत सी जगहों पर परेशान है, वो कई कई दिन तक कतारों में लग जा रहे हैं, लाइन में लग जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और केंद्रीय मंत्री जाते हैं गुना में, वो कहते हैं कि यहां पर खाद की किल्लत नहीं है, और संसद के भीतर कहा जाता है कि खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, और दोनों ही आपके बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप सरकार में। सर मतभेद की स्थिति तो यहां पर है ही, जब अलग अलग बयान सामने आएंगे केंद्रीय मंत्री के और सांसद के, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। तो इसमें से कोई एक शख्स तो भी सही बोल रहा होगा और एक झूठ बोल रहा होगा, ये भी तो आप समझ रहे होंगे दर्शन जी। नहीं, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, और जो जिसको जो काम दिया गया है पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ वो काम करने में, यानी दोनों लोग सही बोल रहे हैं, हम दोनों लोग सच बोल रहे हैं। यह है कि जब जब जहां जैसी समस्या, मैंने कहा संसद की अपनी मर्यादा नहीं, और सांसद की, सर सांसद की,
मैं संसद की मर्यादा पर सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मर्यादा है, और निश्चित तौर पर मैं जो कह रहा हूं कि हम जहां पर भी, जैसे दिनेश जी ने जहां जहां के पॉइंट बताए, हाँ। मैं आज भी उनको नोट कर रहा हूं, और मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा, वहां के प्रशासन से बात करूंगा, जहां संबंधित जो रेख है उसकी क्या स्थिति, उसको भी हम, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में इस प्रकार की मॉनिटरिंग चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगभग रिव्यू एक दिन दो दिन में करते ही रहते हैं, और निश्चित तौर पर पूरी तरह से हम सजग हैं, किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और किसान चूंकि हम न केवल हमारा पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, इसलिए हम उसके अधिकार और उसके संरक्षण के लिए, ये बातें सब बहुत अच्छी लगती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप सरकार हैं, आप सरकार में हैं, इसलिए उम्मीद हम ये आपसे करते हैं कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकले, ताकि अपने खेतों में जाकर वो आसानी से हल चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।